पेश है मूवी रिव्यू लापता लेडी। मुख्य कलाकार रवि किशन, स्पर्श श्रीवास्तव, मितांशी गोयल, प्रतिभा रांटा, सत्येंद्र सोनी और दुर्गेश कुमार। लेखक विप्लव गोस्वामी, स्नेहा देसाई और दिव्यनिधि शर्मा। निर्देशक किरण राव। निर्माता आमिर खान, किरण राव और ज्योति देशपांडे। बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें उनकी सोच के हिसाब से जिंदगी जीने देने के मूल मंत्र पर आधारित फिल्म लापता लेडी मौजूदा दौर के हिंदी सिनेमा में उस कड़ी को मजबूत करती है जिसके जरिए सिनेमा का समाज से रिश्ता अब तक बना हुआ है। विप्लव गोस्वामी की कहानी जवाब देती है कि हिंदी सिनेमा को बजाय रीमेक के फनयुगम में फंसने के मौलिक व देसी कहानियां खोजने में मेहनत करनी चाहिए। स्नेहा देसाई की पटकथा इस बात का जवाब है कि कहानी में अवयव सारे हो तो थोड़ा बताकर थोड़ा छुपाकर एक फिल्म की पटकथा को कैसे इसके सहज सरल और मर्मस्पर्शी उपसंहार तक लाया जा सकता है। दिव्यनिधि शर्मा ने अपने संवादों से कहानी के धरातल की खुरदुरेपन को भी बनाए रखा, जहां जरूरत हुई भावनाओं पर रिश्तों का लेप भी अच्छे से लगाया है। फिल्म का निर्देशन जिस तरह से गांव, गली और नुक्कड़ों पर जाकर किरण राव ने किया है वह भी कम आकर्षक नहीं है। किरण राव को अपनी सफल भारत जैसी दिखने वाली सिनेमाई दुनिया रचने में फिल्म के सिनेमेटोग्राफर विकास नौलखा ने उनकी खासी मदद की है। किरण के निर्देशन की खूबी ये है कि इतने सारे मुद्दों के साथ फिल्म हैवी नहीं होती, खूब मनोरंजन करती है, हंसाती है, रुलाती है। फिल्म औरतों को आत्मनिर्भर होने के साथ साथ उनके सपनों को पूरा करने की सोच पर जोर देती है। कहानी का बैकड्रॉप ग्रामीण इलाके का है जो कहीं काल्पनिक निर्मल प्रदेश का है। दीपक, स्पर्श श्रीवास्तव अपनी नई ब्याहता फूल मितांशी गोयल को घर लिवाने आया है। शादियों का मौसम जोरों पर है तो हर जगह नई नई दुल्हनें लाल जोड़ों में घूंघट ओढ़े हुए दिखती हैं। दीपक और फूल जिस ट्रेन में चढ़ते हैं उसी में शादी का एक और जोड़ा भी है। कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब दीपक को घर आकर पता चलता है कि उसकी दुल्हन बदल गई है। वह लंबे घूंघट के कंफ्यूजन में किसी और की दुल्हन पुष्पा, प्रतिभा रांटा को घर ले आया है। फूल किसी तरह खुद को दूसरे दूल्हे के घर जाने से बचा लेती है और स्टेशन पर ही रह जाती है। यहाँ दीपक जोर शोर से फूल को ढूंढ रहा है और वो पुलिस थाने जाकर दारोगा रवि किशन के पास रिपोर्ट भी दर्ज कराता है तो वहाँ पुष्पा का पति पुष्पा पर गहने चोरी कर भाग जाने की रिपोर्ट दर्ज करा देता है। तहकीकात में पुलिस को पुष्पा पर शक होता है कि वह किसी गिरोह का हिस्सा है। क्या वाकई पुष्पा किसी अपराध में लिप्त है? क्या दीपक अपनी फूल को ढूंढ पाता है? दुल्हनों का पता चलने पर क्या ये अपनी मंजिल की ओर जा पाती हैं? इन तमाम सवालों का जवाब आपको फिल्म देखने के बाद मिलेगा। एक्टिंग की बात करें तो कलाकार मितांशी गोयल, स्पर्श श्रीवास्तव और प्रतिभा रांटा अपने अपने अहम किरदारों को बहुत खूबसूरती से निभाए गए हैं। फूल के रूप में मितांशी ने मासूमियत और भोलेपन को बनाए रखा है तो प्रतिभा अपने तेज तर्रार और बगावती अंदाज में खूब जमती हैं। पत्नी की खोज में बराए दीपक के किरदार को स्पर्श ने मजबूती से अंजाम दिया है। दारोगा के रूप में रवि किशन की खास अभिनय अदायगी दिल जीत लेती है। वो कहानी में मनोरंजन के डोज को बनाए रखते हैं। उनका पान खाकर संवाद बोलने का अंदाज निराला है और फिल्म के क्लाइमैक्स में जब वह बेटी को उसका आसमान नापने के लिए मुक करते हैं तो दिल जीत ही लेते हैं। मुद्दों के साथ मनोरंजन वाली यह फिल्म परिवार के साथ देखने लायक है। ये फिल्म फागुन में एक साथ खूब सारे रंग समेटे आई है। मस्ट वॉच है यह फिल्म। हमारी तरफ से 4 स्टार रेटिंग। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे अन्य वीडियो भी देखें। चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद।